नाउ सी हेयर आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी यूज फॉर एंड सिंस फॉर एंड सिंस वी यूज फॉर एक्चुअली टू टेल अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम और एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम एट्सेट्रा एंड वी यूज सिंस वेन वी नो अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम देन वी यूज सिंस इन द सेंटेंस. जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है तो हमने सिंस का इस्तेमाल करना है. जब हमें पीरियड का ड्यूरेशन का पता है तो हमने फॉर का इस्तेमाल करना है. जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ बेटा. जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ. तो खुद देखें आप कि मुझे पीरियड का पता है, ड्यूरेशन का पता है, यानी अब तक काम करते हुए मुझे कितनी देर हो गई है, यानी कितना टाइम लगा है मुझे, इस टाइम का मुझे पता है. तो जैसे कि मैं यहाँ पे है 2 घंटे, क्या है 60 प्लस 60, यानी टोटल 120 मिनट हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए. तो मुझे पता है कि मुझे 2 घंटे हो गए पढ़ाते हुए, मतलब मुझे पीरियड का पता है, ड्यूरेशन का पता है. लेकिन अगर आप लोग भी बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे तो हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर. लेकिन अगर हम सिंस की बात करें तो बेटा, क्या मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया, क्या आपको ये पता बताया मैंने कि मैं ये 2 घंटे सुबह के हैं, ये 2 घंटे शाम के हैं, या ये 2 घंटे दोपहर के हैं, कौन से हैं? यानी मैंने इनिशियल पॉइंट नहीं बताया आपको, इब्तदाई टाइम नहीं बताया कि कब मैंने वक्त टाइम का, मैंने ये नहीं बताया बेटा आपको कि मैं सुबह से 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ऐसा मैंने नहीं बोला. अगर तो मैं सुबह लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ तो फिर यानी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, ठीक है. जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, खुद देखें यहाँ से मैंने सुबह बताया है, ये नहीं बताया कि सुबह से कि अब वक्त कितना हो गया, ठीक है. अभी तक ये नहीं कंफर्म कि अब तक वक्त कितना हो गया सुबह से. अब दोपहर का वक्त है, अब शाम का वक्त है. जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट यानी हमें सुबह का पता है, हमें इनिशियल पॉइंट का पता है. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ बेटा, ये देखें, ये एक लाइन है, ठीक है. मैं बता रही हूँ ये मॉर्निंग का टाइम है सुबह का, ठीक है. मैं कहती हूँ मैं सुबह से काम कर रही हूँ मैं, ठीक है. अभी तक मैं काम कर रही हूँ, स्टिल वर्क इज़ कॉन्टिन्यू, ठीक है. लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि इट इज़ नून और इट इज़ इवनिंग, ये शाम का वक्त है, दोपहर का वक्त है, या रात का वक्त है, या अभी सुबह का ही वक्त, आप लोगों को नहीं पता. जब हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट का पता है, जब हमें आगाज़ स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, और हमें ये नहीं पता कि काम करते हुए कितनी देर हो गई है, तो हम यूज़ करते हैं सिंस. और जब हमें पता है, हमें जब ये पता है कि काम करते हुए कितना टाइम हो गया है, फिर हम यूज़ करते हैं फॉर. जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि वो 2005 से लाहौर में रह रहा है. वो 2005 से, अच्छा, अब 2005 से 2020 तक का टाइम देखें, ठीक है. आई थिंक इट इज़ 15 साल हो गए हैं, ठीक है, 15 साल हो गए हैं. लेकिन उन्होंने बताया कि 2005 से, यानी उन्होंने हमें इनिशियल पॉइंट बताया है, उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको रहते हुए कितना अरसा हो गया. तो अगर वो 2005 से बोलेंगे तो हम यूज़ करेंगे सिंस, और अगर वो ये बोलेंगे कि वो 15 सालों से रह रहा है लाहौर में, फिर हम यूज़ करेंगे फॉर. समझ आ गई होगी. जब हमें टाइम का पता है, जब हमने ख़ुद अंदाज़ा नहीं लगाना कि 2005 से अब तक का कितना टाइम हो गया, ये 2005 से 2020 तक का हमने ख़ुद एस्टिमेशन की है, ठीक है. लेकिन ये उन्होंने हमें नहीं बताया, ठीक है. जब वो ख़ुद बताएंगे हमें
जब वो हमें ड्यूरेशन बताएं, जैसे ये 15 साल है, ये वक्त का पीरियड है, कोई भी ड्यूरेशन है, जब वो ड्यूरेशन बताएंगे, कोई भी पीरियड बताएंगे, तो फिर हम यूज़ करेंगे फॉर। जब वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे, फिर हम यूज़ करेंगे सिंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जैसे यहाँ से देखें, यहाँ पे देखें बेटा, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, बच्चा 2 घंटे से, 2 घंटे से हम क्या लिखेंगे इसके साथ, 2 घंटे से हम इसके साथ क्या लिखेंगे, फॉर। दोपहर से ये उन्होंने इनिशियल पॉइंट बताया, इसके साथ क्या लिखेंगे, सिंस। 8 बजे से लेके अब तक का कितना टाइम हुआ नहीं पता, तो हम इसके साथ भी क्या लिखेंगे, सिंस 8 o'clock। ठीक है, सुबह से, सिंस बुध से, सिंस। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट।